मध्य महेश्वर जी की अद्भुत यात्रा को पूरा करने के बाद हम रांची से उखीमठ आ गए। उखीमठ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है। रुद्रप्रयाग से उखीमठ 44 किलोमीटर दूर पड़ता है। उखीमठ आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जब केदारनाथ जी और मध्य महेश्वर जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो इन दोनों भगवानों की पूजा उखीमठ में की जाती है। तो फाइनली हम उखीमठ आ चुके हैं। मंदिर में आरती शुरू हो गई है ओमकारेश्वर मंदिर में, जो कि केदारनाथ जी की पालकी आती है शीतकालीन के लिए, वो यहीं पे आती है। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं आरती में। तो पहले आरती करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे और सब कुछ बताएंगे आपको कि कैसे क्या करना है। अगर आप शीतकालीन आना चाहते हैं यहाँ पे तो आप आराम से आ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जिस समय हम उखीमठ पहुंचे थे उस समय केदारनाथ जी के कपाट बंद हो चुके थे और उनकी पालकी उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में आ चुकी थी। ओमकारेश्वर पीठ के नाम से जाने जाने वाला यह मंदिर देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और सर्दियों के मौसम में केदारनाथ जी और मध्य महेश्वर जी का मंदिर कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि बनासुर की बेटी उषा और भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की शादी इसी जगह पर हुई थी। उषा के नाम के कारण इस जगह को उषा मठ कहा गया, लेकिन बदलते समय के साथ इसका नाम उखीमठ हो गया। हमने मंदिर में दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद लिया, फिर वापस रूम पर आ गए। रात में उखीमठ का नजारा बहुत ही सुंदर था। आप ये जो सामने देख रहे हैं वो है गुप्त काशी, जो कि केदारनाथ जाने के रास्ते पर पड़ता है। गुप्त काशी और उखीमठ आमने सामने के पहाड़ों पर बसे हैं। अगर आप कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ जी और मध्य महेश्वर जी की शीतकालीन यात्रा करना चाहते हैं तो आप उखीमठ आ सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से से आप हरिद्वार आ जाइए और फिर हरिद्वार से टैक्सी या बस से आप उखीमठ तक आ सकते हैं। उखीमठ के लिए अगर आपको डायरेक्ट कोई बस ना मिले तो हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की बस ले लीजिए और फिर रुद्रप्रयाग से उखीमठ आ जाइए।